बंधाना एसडीएम राहुल गुप्ता ने बताया कि अभी 30 पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा था, जिसमें 15 पॉजिटिव एक्टिव मरीज हैं, 12 रिकवर हो चुके हैं, जिसमें 3 पॉजिटिव मरीजों की मौत हो चुकी है। सवाल मोहनपुर ग्राम का है, जहां अभी तक 10 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इसको देखते हुए मोहनपुर ग्राम के सारे रास्ते भी ब्लॉक कर रहे हैं, ताकि ग्राम में संक्रमण की रोकथाम कर कोरोना वायरस की चेन को तोड़ा जा सके। इसी तरह पंधाना के शासकीय महाविद्यालय में भी कंटेनमेंट कर मरीजों को रखा जा रहा है। वहीं पंधाना तहसील के ग्राम गांधवा में 2, ग्राम बंजारी में 1, ग्राम आरूद में 1, रुस्तमपुर में 1 और ग्राम मोहनपुर में 10 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। पूरा प्रशासन अलर्ट होकर पूरी पंधाना तहसील सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मुस्तैदी से लगा हुआ है। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, तो प्रशासनिक और जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिल रहा है, और कैसे क्या व्यवस्था होगी? देखिए, जब से कोरोना जैसी वैश्विक महामारी हमारे देश में फैलने लगी है, 22 मार्च से जनता कर्फ्यू के बाद जब पूरे देश में लॉकडाउन किया गया, तब से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे सीएम साहब और यहाँ स्थानीय स्तर पर मैं खुद और प्रशासनिक अधिकारीगण सभी बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम लोग पालन करें, लॉकडाउन का हम लोग पालन करें। मूलतः अगर देखा जाए तो कुछ लोगों में अति उत्साह के कारण और ट्रेवलिंग के कारण, नए लोगों के संपर्क में आने के कारण कोरोना फैल रहा है। क्योंकि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, कहीं ना कहीं जागरूकता के अभाव में उसको लापरवाही में ले रहे हैं। आज भी कई सारे गांवों में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। मैं उन सभी से निवेदन करता हूं कि सोशल डिस्टेंस बताइए। पंधाना तहसील में अभी जो कोरोना से संक्रमित लोग हैं, उनकी संख्या कितनी हो चुकी है अभी तक? देखिए, अगर पंधाना सब डिवीज़न की मैं टोटल बात करूं तो आज तक मेरे यहाँ टोटल 30 केस पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से अभी एक्टिव केसेस की संख्या है 15, उसमें से और रिकवरी 12 लोगों की हो चुकी है, और जिसमें से मृत्यु 3 लोगों की हुई है। और यही डेटा है मेरा, जिसमें गाँववार देखें तो लगभग ग्रामीण क्षेत्र में ही संक्रमण देखा जा रहा है, और पंधाना शहर है जो अभी कोरोना फ्री है मेरा। सर, मोहनपुर में बहुत ज़्यादा संख्या हो गई, जो चूँकि वहाँ पर जो है ग्रामीण लोगों की संख्या कम है और कोरोना महामारी से संक्रमित लोग बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो आपके द्वारा वहाँ पर क्या शासन के द्वारा क्या क्या किया जा रहा है? बिल्कुल सही बोला आपने कि मोहनपुर में चूँकि एक्टिव केसेस की संख्या 10 है अभी, तो हमने उसको देखते हुए वहाँ पर प्रॉपर एक लॉकडाउन का प्लान किया है, जिससे हम वहाँ के जितने भी जितने रास्ते हैं जहाँ से बाहर से आते हैं और अंदर से बाहर जाते हैं, उनको हम ब्लॉक कर देंगे, ताकि वो संक्रमण को हम बचने से रोकें। इसके अलावा मैंने वहाँ अपनी जो एक कोरोना चेक ब्रेकर्स टीम है, उसको भी गली जो गलीवार है उसको डिवाइड करके उनकी हर एक टीम में 4 की ड्यूटी लगाई है, ताकि वहाँ के लोगों पर कंट्रोल कर सके कि वहाँ के लोग बाहर ना आए, और किसी भी कारण उनको इमरजेंसी में आना भी पड़े तो वो पूरी मास्क लगा के निकलेंगे। ये इंश्योर करने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया हुआ है, ताकि संक्रमण को हम रोक सके, और जो पॉजिटिव केसेस थे उनके जो हाई रिस्क कॉन्टेक्ट थे उनको हमने वहाँ से हटा के अपना जो शासकीय महाविद्यालय पंधाना में कॉलेज में एक इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन, जो संस्थागत क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसको बनाया है, उनको हमने वहाँ से यहाँ रखा है, ताकि कहीं संक्रमण फैल ना सके और हम इससे जल्दी से जल्दी वहाँ की जो चेन है उसको ब्रेक कर सकें। देवेंद्र सिंह गौड़। कहाँ रहते हैं आप? मोहनपुर। मोहनपुर में अभी आपके यहाँ जो संक्रमण फैला है, तो इसको ध्यान में रखते हुए आप को मास्क वितरण हुआ कि नहीं अभी तक? नहीं, गांव में जो मार्च में थोड़े बहुत मास्क वितरण कर दिए थे, वही उसके बाद कोई मास्क वितरण नहीं हुआ। और सचिव के द्वारा कोई सैनिटाइज करवाया गया? सैनिटाइज नहीं किया, गांव को कुछ नहीं किया। आप क्या चाहेंगे, क्या पूरे गांव को सैनिटाइज करो सबसे पहले, उसके बाद गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम भेज के हर घर पे जांच करी जाए, तो ही संक्रमण रुकेगा, अन्यथा नहीं। प्रशासन की तरफ से जो भी काम किया जा रहा है उससे संतुष्ट हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है।
प्रशासन, बाकी उसके बाद तो अपनी जवाबदारी बनती है। हुए हम घरों